हेलो फ्रेंड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से हमारी ये प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। नाउ फ्रेंड, अगर हम प्रॉब्लम की फिगर की बात करें तो प्रॉब्लम की फिगर आपको ये गिवन है, जिसमें टू क्वाड्रेंट से एक कॉमन डिजाइन एरिया आया है, जिस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। नाउ फ्रेंड, इसके लिए हमने एक मॉडल लिया है। यहां पर बोला गया है टू क्वाड्रेंट्स। नाउ क्वाड्रेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है कि पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट आप कह सकते हैं क्वाड्रेंट होता है। तो इट मींस इस तरीके से टू क्वाड्रेंट्स को लेकर जब हम लेकर आए हैं तो यहां पर एक कॉमन एरिया आया है। इस कॉमन एरिया को कैलकुलेट करना है। तो आप टू क्वाड्रेंट्स का मतलब समझ गए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो एरिया निकालना है इस डिजाइन का, जरा इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये ट्रायंगल, इस पे ये क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया करते हैं तो आपको ये एरिया मिल जाता है। ओके फ्रेंड, इसी तरीके से अगर आप इस साइड से लेकर आएंगे तो यहां से भी ये कॉमन एरिया आपको मिल जाएगा और ये जो डिजाइन एरिया है वो एरिया यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसके लिए अगर हम सिंपल समझें तो ये है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपका ये एरिया निकल गया। नाउ इसको अगर आप डबल कर देंगे तो आपको ये जो डिजाइन एरिया है ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ अब सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू टू इन टू। टू किस लिए? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में से अगर ये ट्रायंगल आप माइनस करते हैं तो सिर्फ आपको डिजाइन का हाफ एरिया मिलता है, और इसी तरीके से आपका इसके अपोजिट ये भी एरिया है। तो सिंपल इस एरिया को अगर आप डबल कर देंगे तो आपका टोटल डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए हमने टू से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल टू इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 × 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 आर, आर क्वाड्रेंट के लिए ये होगा यानी 8, तो 8² − 1/2। नाउ अगर आप इस ट्रायंगल के लिए बात करते हैं तो ट्रायंगल का बेस दिस 8 एंड हाइट आल्सो 8। नाउ 2 × अगर आप देखते हैं तो 1/4 × 22/7 8 × 8 = 64 माइनस इससे कैंसिल हो गया 2 आ गया, तो ये हो गया 8 × 4 = 32। नाउ इससे ये कैंसिल हो गया, आपको मिला 1 = 16। अब आपको मिलता है यहां पर 2 × 16 × 32 और 16 × 32 और ये हो जाएगा आपका 35/7 माइनस 32। नाउ 2 × 7 एज ए एलसीएम, तो 352 माइनस 7 की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 14 = 1, 7 × 21 = 8। नाउ 2 × 8 = 1/7 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है आपको 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फॉर दिस डिजाइन एरिया और से
ये जो आपकी फिगर है उसमें डिजाइन एरिया का। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।